हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ सभी लोगों का मेरे इस चैनल एडवांस स्टडी हब में। दोस्तों आज के इस वीडियो में श्योरिटी बॉन्ड की जानकारी आपको मिलने वाली है। श्योरिटी बॉन्ड आपको यहाँ पे बनवाना है। और देखिए दोस्तों, यूपी एनएचएम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के अगर आप लोग यहाँ पे सेशन 2 वाले कैंडिडेट हैं, ऑफर लेटर अगर आपका यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, तो देखिए डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के साथ साथ जो है श्योरिटी बॉन्ड आपको यहाँ पे तैयार कराना होगा। और श्योरिटी बॉन्ड का फॉर्मेट क्या रहेगा इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, इंस्ट्रक्शंस क्या क्या फॉलो आपको यहाँ पे करने हैं, और यहाँ पे देखिए किसके द्वारा ये बॉन्ड यहाँ पे आपको बनवाना है इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन और है, ज्वाइनिंग के समय आपको देखिए कुछ डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना है, तो डॉक्यूमेंट की लिस्ट यहाँ पे क्या रहेगी वो इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। सबसे पहले इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर दीजिए, दिल से इस वीडियो को लाइक करें, और सवाल वगैरह है कमेंट बॉक्स में आप लोग हमसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। और चाहते हैं अपडेट्स आपको इसी तरीके से मिलते रहे तो हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे की इन्फॉर्मेशन जो है आपको इसी तरीके से मिलती रहेगी। तो वीडियो के नीचे आइए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लीजिए और जानकारी इसी तरीके से पाते रहिए। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले जो है श्योरिटी बॉन्ड को यहाँ पे ओपन करते हैं और इसका फॉर्मेट कैसा रहने वाला है वो आप लोग अपनी स्क्रीन पर यहाँ पे देख लीजिए। तो दोस्तों श्योरिटी बॉन्ड का जो फॉर्मेट है आप सभी लोग अपनी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो भी फॉर्मेट यहाँ पर रहने वाला है नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर रहेगा, और 100 रुपये का ये स्टाम्प पेपर रहता है नॉन ज्यूडिशियल वाला, और उसमें ये पूरी इन्फॉर्मेशन जो है आपको उस पर प्रोवाइड करानी होगी। तो सबसे पहले काम जो है आपको देखिए मार्केट में जाना है, मार्केट में जो भी लॉयर अवेलेबल रहते हैं और जो भी वकील अवेलेबल रहते हैं अच्छे वकील से यहाँ पे संपर्क करें, उनको बोलें कि यहाँ पे श्योरिटी बॉन्ड बनवाना है। तो आप लोग अपनी डिटेल्स वगैरह सब वहाँ पे उनको प्रोवाइड करा दीजिए, आपका नाम जो भी है, आपके फादर का नाम दे दीजिए, ठीक है, आपकी डिटेल्स वगैरह जितनी भी है, आपके सिग्नेचर वगैरह भी यहाँ पे होंगे, तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको श्योरिटी बॉन्ड पे एज इट इज वहाँ पे प्रोवाइड करानी होगी। तो दोस्तों बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, कोई भी ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, आपको सीधे से वकील से जाके संपर्क करना है और उनको वहाँ पे बता दीजिए कि बॉन्ड आपको ऐसा ऐसा बनवाना है, ठीक है, मैटर सेम टू सेम एज इट इज ऐसा कहीं ऐसा रहना चाहिए, और बस आपको उसमें जो है डिटेल वगैरह आपको प्रोवाइड करानी है। तो ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन इसमें दे दी है। और देखिए मैटर मैंने आपको इसलिए यहाँ पे ऐसा बोला क्योंकि देखिए इसमें बॉन्ड की जो राशि है पहले से इसमें उपलब्ध कराई गई है, तो इसलिए जो भी इसमें लिखा गया है एज इट इज बॉन्ड में भी उसमें एज इट इज वैसा लिखा हुआ होना चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इसमें बताई। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा नीचे की तरफ बढ़ाता हूँ, और ज्वाइनिंग के समय देखिए दोस्तों आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराना है, तो लिस्ट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ नीचे जो प्रोवाइड कराई गई है। देखिए यहाँ पे बोला गया है 5वें नंबर का जो पॉइंट है, इसमें बोला गया है कि आपका जो भी एक्सेप्टेंस है, मीन्स ऑफर का जो भी आपका एक्सेप्टेंस है, इसके बाद कैंडिडेट के टाइम पे रिपोर्टिंग के समय आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी, और ज्वाइनिंग के समय यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे करीब करीब यहाँ पे 6 यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं, 6 से 7 यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं, एक एक करके हम यहाँ पे इसको रीड करने वाले हैं। तो दोस्तों ए नंबर का जो पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, देखिए बोला जा रहा है अटेस्टेड कॉपीज ऑफ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, जितनी भी आपके मार्कशीट वगैरह हैं और जितने भी आपके सर्टिफिकेट वगैरह हैं अटेस्टेड फॉर्म में होना चाहिए, अटेस्ट किया होना होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि ये सेल्फ अटेस्टेड द्वारा है या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर के द्वारा है, तो दोनों सेट आप लोग यहाँ पे तैयार करके ले जाएं, जो भी आपसे मांगा जाए वो आपको वहाँ पे उपलब्ध कराना है। तो ये जितनी भी हैं आपकी मार्कशीट वगैरह सर्टिफिकेट वगैरह इनको अटेस्ट करके ले जाना है, और जितनी भी क्वालिफिकेशन है आपकी वो आपको अपने साथ यहाँ पे ले जानी है। बोला जा रहा है अगले पॉइंट में अटेस्टेड कॉपी ऑफ मैट्रिक सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ कैंडिडेट की एज, ठीक है, आपकी एज को यहाँ पे मिलाया जाने वाला है, आपकी जो भी आपने डेट ऑफ बर्थ प्रोवाइड कराई थी, तो देखिए 10th क्लास की मार्कशीट आपको यहाँ पे ले जानी है और उसके बेसिस पे आप लोगों की जो है एज कैलकुलेट की जाएगी। तो ये जो मार्कशीट है 10th क्लास की ये भी अटेस्टेड फॉर्म में होनी चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, ठीक है, अगर आपने फॉर्म फिल करते समय यस किया था तो ये ले जाएं, और अगर आपने यहां पे नो यहां पे किया था फॉर्म फिल करते समय तो उसकी यहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बोलते हैं अगले पॉइंट में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम स्टेट नर्सिंग काउंसिल, ठीक है, नर्सिंग काउंसिल का जो भी आपका रजिस्ट्रेशन है वो आपको यहां पे ले जाना है। अगला जो पॉइंट दिया गया है कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, अगर आप लोग यहां पे कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं, अगर आप लोग शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं तो यहां पे कास्ट सर्टिफिकेट की कॉपी आपको ले जानी है। और अगला पॉइंट भी हम यहां पे पढ़ लेते हैं, देखिए बोला जा रहा है करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम अ गजेस्टेड ऑफिसर ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, आपका चरित्र प्रमाण पत्र जो रहता है गजेस्टेड द्वारा ऑफिसर द्वारा ये बना होना चाहिए या फिर सेंट्रल द्वारा ये आपका बना होना चाहिए, ठीक है, सेंट्रल का हो या फिर ये स्टेट गवर्नमेंट के गजेस्टेड ऑफिसर का हो। और यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है ड्यूली फिल्ड आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है, जो भी आप लोगों के आइडेंटिटी कार्ड थे वो आपको ले जाने हैं, साथ ही साथ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपको प्रोवाइड करानी है।
तो ये सात डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पे बोले गए हैं इस लिस्ट में यहाँ पे दिए गए हैं ज्वाइनिंग के समय आपको प्रोवाइड कराने होंगे, और एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी भी आप लोग यहाँ पे साथ ही साथ रखें, और जितने भी मार्कशीट वगैरह है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की, जो भी आपका रिजल्ट वगैरह आया था, ऑफर लेटर आया है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे ले जानी है, सारी मार्कशीट, सारे सर्टिफिकेट और यहाँ पे फोटोकॉपी जितनी भी है आपको यहाँ पे प्रोवाइड करानी है। और यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन भी आपको प्रोवाइड कराना है, और जैसे कि इसमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी गई है सातों पॉइंट में, ये आपको यहाँ पे केयरफुली आपको फॉलो करनी है। और देखिए बॉन्ड का फॉर्मेट भी मैंने आपको बता दिया है, ऊपर आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, ठीक है, तो वीडियो के नीचे जाइए आपको इस पेज की लिंक मिल जाएगी, और चाहे तो आप लोग जो है ऑफिशियल वेबसाइट जो है sams.co.in वहाँ से भी आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और बड़े आराम से आप लोग यहाँ पे श्योरिटी बॉन्ड भी बनवा सकते हैं। तो दोस्तों ये अपडेट आपको कैसा लगा जरूर बताएं, ज़्यादा बड़ा अपडेट नहीं बनाया, थोड़े से समय में आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ सब कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। लाइक जरूर करिएगा इस वीडियो को, दिल से इस वीडियो को लाइक करें, इस मेहनत को लाइक जरूर करिएगा। सवाल वगैरह जो भी आपका है कमेंट बॉक्स में आप लोग हमसे यहाँ पे पूछ सकते हैं, और यहीं पर जाना है वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर देना है, अगर चाहते हैं आगे के अपडेट्स भी आपको इसी तरीके से मिलते रहें और जानकारी इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे पहुँचती रहे। स्वास्थ्य विभाग में जितना भी अपडेट आ रहा है और आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आगे भी इसी तरीके से मिलते रहे, तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे की इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से आपको मिलती रहेगी। और यहाँ पे देखिए एक थैंक यू का मैसेज भी कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं, अगर लगता है कोई ना कोई जानकारी आपको इस अपडेट से यहाँ पे प्राप्त हुई है, इस वीडियो से आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में थैंक यू का मैसेज जरूर टाइप करिएगा। देखिए यहाँ पे दो वीडियोस आपकी स्क्रीन पर नजर आने वाले हैं, इनको यहाँ पे ओपन कर लीजिए। स्वास्थ्य विभाग की ये दो भर्तियाँ रहने वाली है, और दोनों में यहाँ पे आप लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरने हैं, तो इन वीडियोज़ को भी यहाँ पे देख लीजिए, ये सरकारी भर्ती है स्वास्थ्य विभाग की, इनको भी आपको इन अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।